शर्मा जी, आप टेंशन ना लें, आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, नहीं नहीं पहले की तरह नहीं होगा, आप प्लीज। क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? Why did you guys not wake me up? बेटा जी, आपको उठाया था हमने, वो भी ढोल बजा के, पर आप उठे नहीं। और वैसे भी अब रात के 12 बजे तक आप नॉकिंग करोगे तो आप सुबह 6 बजे कैसे उठोगे? माँ, आप तो उठा सकते थे ना। You know that these practice matches are equally important. फिर क्यों नहीं उठाया? मायरा, बोला ना उठाया था। Now stop behaving like a kid, okay? Body को proper rest भी चाहिए होता है। And listen, summer vacations का मतलब ये नहीं कि तुम बस एक ही चीज़ में लगी रहो। I want you to focus on academics as well. And tell me your other areas of interest, like cooking, designing, arts and all. At least शादी के बाद कुछ काम तो आएगा। Well played, Myra. Well played. It was a delight to watch you bat. Player of the match, तो तुम्हें ही मिलेगा. Thank you, sir. आज मैंने आपकी सिखाई हुई टेक्निक से खेला। It's all because of you and your constant guidance. बेटा, अगर मेरी सिखाई हुई टेक्निक और गाइडेंस से लोग खेलते तो हर एक कोई 100 ही मार रहा होता। It was your focus, determination. हाँ हाँ। Dad. अरे यार, कितनी बार बोला है यार। Dad, I have to tell you. आजकल के बच्चे सुनते ही कहाँ हैं, और इनका तो फोन ही नहीं खत्म होता। लो, आ गई मायरा। कहाँ थी तुम? कितना लेट कर दिया है? हाँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रात को इतनी देर तक बाहर रहना इज नॉट सेफ। मॉम, गेस व्हाट? व्हाट? आई स्कोर्ड अ सेंचुरी, एंड वो ही नहीं, आई आल्सो गॉट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड। इजंट दैट अमेजिंग? एंड आपको पता है कि ऑल ऑफ दैट इज गुड बेटा, बट पढ़ाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी ठीक से पढ़ाई नहीं की ना, तो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू दिस वेरी क्लियरली, हम लोग प्राइवेट कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। पढ़ तो रही हूँ मॉम। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट दैट? यू हैड टू टेल मी अबाउट योर अदर इंटरेस्ट एज वेल। लुक, इफ यू डोंट टेक माई वर्ड सीरियसली नाउ, मुझे फोर्सफुली तुम्हारा ये क्रिकेट छुड़वाना पड़ेगा। नाउ प्लीज गो एंड चेंज, बहुत लेट हो गया। मायरा, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम बाइंग यू न्यू क्रिकेट इक्विपमेंट। बेटा, हर महीने कुछ ना कुछ। ओके डैड, प्रॉमिस। अब नेक्स्ट टाइम मैं सिर्फ 2 मंथ्स में एक बार बोलूंगी। क्यों ना, मेरे को पता है। चलो, ये वाला। दिस वन CV6E। कोच, हाय। एक मिनट सर। हाय, कैसे हो चैंप? गुड सर। हाय, आई एम कोच साइरस। आप भी बच्चों के चक्कर में हैं? आई मीन, ये शॉप हमारे स्कूल के स्पोर्ट्स वेंडर्स भी हैं, एंड क्रिकेट का सामान तो आप जानते ही हैं, रेगुलरली रिप्लेस करना पड़ता है वेयर एंड टियर की वजह से। तो क्या? हाँ भाई साहब, बिल्कुल, सारे के सारे पढ़ाई से बचने के बहाने हैं, बच्चों के टाइम वेस्ट करने का अच्छा तरीका है। और मैं तो मारे को समझाता रहता हूँ कि बेटा पढ़ लिख जाओ, कुछ बन जाओगे फ्यूचर में, मगर नहीं, इनके फ्री पीरियड और स्कूल में क्लासेस बंक करने की अपॉर्चुनिटीज इनको मिलती रहती हैं, वो सारी स्पोर्ट्स से ही मिलती हैं। सॉरी, आई डिडंट गेट योर नेम। मायसेल्फ अरोड़ा, बल्देव अरोड़ा। डोंट टेक दिस अ रॉन्ग वे, लेकिन आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस स्पोर्ट, एंड मैं इन बच्चों को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना स्किल, अपना स्ट्रेंथ लेवल प्रूव करना चाहते हैं, बट मायरा हियर इज अ वेरी स्पेशल, वेरी टैलेंटेड गर्ल, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये किसी दिन इस देश के लिए। चलो बेटा, लेट्स गो। और मिस्टर अरोड़ा, एक और बात, मायरा के रिपोर्ट कार्ड पे 100 नंबर आ जाएं तो आपका नाम स्कूल में रोशन हो सकता है, लेकिन वही 100 नंबर अगर मायरा के स्कोर कार्ड में आ जाए तो शायद आपका नाम
देश में रोशन हो जाए. इट्स योर चॉइस. थिंक अबाउट इट. मायरा, आज से ये दो दो बैग स्कूल लेके जाना बंद. मायरा, तुमने सुना नहीं मम्मा ने क्या बोला? क्या पापा, पहले तो नई किट नहीं दिलाई और अब जो पुरानी किट है वो भी नहीं ले जाने दे रहे. Why don't you guys understand कि मुझे क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली और उसके लिए बाकी सब कुछ सेकेंडरी रहेगा हमेशा. मेरे बच्चे शांत हो जा. तेरी मम्मा का मतलब सिर्फ ये है कि तू आज से पुरानी किट नहीं लेके जा रही, आज से तू अपनी ब्रांड न्यू किट लेके जा रही है. Really? Yes. Here you go. Do you like it? I love it. I love it. Thank you so much. So अब no century. Double century. Coach, I'll bounce. I'll see Stop. You. Take care. Thank you. All right. Take care. Dear Coach, टीचर का काम बच्चों को सिखाना होता है, मगर सर आपने तो मेरे पेरेंट्स को भी समझा दिया कि ये स्पोर्ट मेरे लिए कितना ज़रूरी है. फिर चाहे मैं एक्सेल करूँ ना करूँ, मगर अपॉर्चुनिटी मिल जाना अपने आप में ही एक प्रिविलेज है. थैंक यू सर. आपकी फेव प्लेयर, योर चैम्प मायरा.